भारत माता की, भारत माता की। सौथी पहला तो दाहोदवासियों ने क्षमा मांगी लू। शुरुआत में हूं थोड़ो समय हिंदी में बोलीश अने त्यार पछी आपड़ा घरनी वातो घरनी भाषा में करीशु। गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मृदु एवं मक्कम श्री भूपेंद्र भाई पटेल, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, इस देश के रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी, मंत्रिपरिषद की साथी दर्शनाबेन जरदोश, संसद में मेरे वरिष्ठ साथी गुजरात प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान सीआर पाटिल, गुजरात सरकार के मंत्रीगण, सांसद और विधायकगण और भारी संख्या में यहां पधारे मेरे प्यारे आदिवासी भाइयों और बहनों, आज यहां आदिवासी अंचलों से लाखों बहन भाई हम सबको आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं। हमारे यहां पुरानी मान्यता है कि हम जिस स्थान पर रहते हैं, जिस परिवेश में रहते हैं, उसका बड़ा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। मेरे सार्वजनिक जीवन के प्रारंभिक कालखंड में जब जीवन के एक दौर की शुरुआत थी तो मैं उमरगांव से अंबाजी, भारत की ये पूर्व पट्टी, गुजरात की ये पूर्व पट्टी, उमरगांव से अंबाजी पूरा मेरा आदिवासी भाई बहनों का क्षेत्र, ये मेरा कार्यक्षेत्र था। आदिवासियों के बीच रहना, उन्हीं के बिन जिंदगी गुजारना, उनको समझना, उनके साथ जीना, ये मेरे जीवन घड़तर के प्रारंभिक वर्षों में इन मेरे आदिवासी माताओं बहनों भाइयों ने मेरा जो मार्गदर्शन किया, मुझे बहुत कुछ सिखाया, उसी ने आज मुझे आपके लिए कुछ न कुछ करने की प्रेरणा मिलती रहती है। आदिवासियों का जीवन मैंने बड़ी निकटता से देखा है और मैं सर झुका करके कह सकता हूं, चाहे वो गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, हिंदुस्तान का कोई भी आदिवासी क्षेत्र हो, मैं कह सकता हूं कि मेरे आदिवासी भाई बहनों का जीवन यानी पानी जितना पवित्र और नई कोपलो जितना सौम्य होता है, यहां दाहोद में अनेक परिवारों के साथ और पूरे इस क्षेत्र में मैंने बहुत लंबे समय तक अपना समय बिताया है। आज मुझे आप सबको एक साथ मिलने का, आप सबको दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। भाइयों बहनों, यही कारण है कि पहले गुजरात में और अब पूरे देश में आदिवासी समाज की, विशेष रूप से हमारी बहन बेटियों की छोटी छोटी परेशानियों को दूर करने का माध्यम आज भारत सरकार, गुजरात सरकार, ये डबल इंजन की सरकार एक सेवा भाव से कार्य कर रही है। भाइयों और बहनों, इसी कड़ी में आज दाहोद और पंचमहल के विकास से जुड़ी 22,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है।
जिन परियोजनाओं का आज उद्घाटन हुआ है उनमें एक पेयजल से जुड़ी योजना है और दूसरी दाहोद को स्मार्ट सिटी बनाने से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स हैं। पानी के इस प्रोजेक्ट से दाहोद के सैकड़ों गांवों की माताओं बहनों का जीवन बहुत आसान होने वाला है। साथियों, इस पूरे क्षेत्र की आकांक्षा से जुड़ा एक और बड़ा काम आज शुरू हुआ है। दाहोद अब मेक इन इंडिया का भी बहुत बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। गुलामी के कालखंड में यहां स्टीम लोकोमोटिव के लिए जो वर्कशॉप बनी थी वो अब मेक इन इंडिया को गति देगी। अब दाहोद में परल में 20,000 करोड़ रुपए का कारखाना लगने वाला है।